नमस्कार साथियों, हल्दर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास के अंदर अपन ने सिट्रस ग्रुप को कवर किया था। अभी इस क्लास के अंदर एक छोटा सा फ्रूट आंवला, जिसकी अपन बात करते हैं, इंडियन गुजबेरी के नाम से जो जाना जाता है, उसको कवर करेंगे। बात करूं मैं आंवला की, अंबालिका ऑफिस सिनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, फाइलेंथस अंबालिका भी इसी को कहते हैं, याद रखना। फाइलेंथस अंबालिका ऑफिस सिनेलिस या फाइलेंथस अंबालिका की बात करूं तो ये किसको कहा जाता है? आंवले को कहा जाता है। आंवले को क्या क्या कहा जाता है? 21वीं सदी का फल। और क्या कहा जाता है? इंडियन गुजबेरी। क्या कहा जाता है? इंडियन गुजबेरी के नाम से जाना जाता है, याद रखना इसको। आंवला 21वीं सदी का फल कहलाता है इंडियन गुजबेरी के नाम से, और इसको अमृत फल भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा फैमिली कौन सी है? यूफोर्बियसी, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अरंडी का कुल यही है, रतनजोत का कुल यही है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बार बार, आंवला किस कुल का पौधा है, तो अपने यूफोर्बियसी। इसकी उत्पत्ति भारत या दक्षिणी पूर्वी एशिया से मानी जाती है। तो भारत के लिए कैसा फल हो गया? इंडोजीनस फ्रूट हो गया, स्वदेशी फल हो गया। कौन सा फ्रूट हो गया? इंडोजीनस फ्रूट हो गया। मैंने बताया था ना, जिनकी उत्पत्ति भारत से होती है उनको अपन इंडोजीनस फ्रूट या स्वदेशी फल कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं? गुणसूत्रों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो वो इसके अंदर कितने होते हैं? 28 होते हैं। उपनाम की बात करूं तो इसको भारतीय गुजबेरी, इंडियन गुजबेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन गुजबेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन गुजबेरी कहा जाता है। इसको मायरोबलान और मलान का पौधा, मलाका ट्री भी इसी को कहा जाता है, याद रखना। भारतीय गुजबेरी, इंडियन गुजबेरी मैंने आपको लिखा दिया। 21वीं सदी का फल भी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। फल प्रकार इसका कैप्सूल होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भिंडी, आंवला, कपास, भतूरा, तिल, रतनजोत, चुकंदर, इन सब का भी फल प्रकार क्या होता है? यही होता है कैप्सूल। खाने योग्य भाग इसका मध्य फल भित्ति प्लस अंत फल भित्ति है, अर्थात मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प है। कौन सा है? मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। किसका खाने योग्य भाग है? आंवले का। किसका खाने योग्य भाग है? आंवले का खाने योग्य भाग है। स्पेरोफाइटिक, इसके अंदर सब अनिश्चितता पाई जाती है, आम और आंवला के अंदर पाई जाती है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी पाई जाती है, याद रखना। और वो भी किस टाइप की होती है? स्पेरोफाइटिक होती है। नॉन क्लाइमेट्रिक फल है और कड़वा होता है। पाला इसके लिए बहुत हानिकारक होता है। पाले का सर्वाधिक नुकसान प से प पपीते में होता है। पपीते के बाद सबसे ज्यादा नुकसान कौन से फल वृक्ष में होता है? आंवला में होता है, इंपॉर्टेंट है पाला के प्रति। कौन सी विटामिन का उत्तम स्रोत है? विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, ये आ गया। 700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फ्रूट के अंदर पाया जाता है। बारबेडा चेरी के बाद सर्वाधिक विटामिन सी आंवले में। लवणता के प्रति सहनशील है, ये शुष्क जलवायु वाले फल देख लो, सारे के सारे मर्दा लवणता के प्रति क्या होते हैं? सहनशील होते हैं। नेक्स्ट, आंवला में पुष्पन फरवरी मार्च में होता है, जलवायु समशीतोष्ण, ठीक है। मर्दा पीएच 6.5 टू 9.5 तक इसको आप उगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो किसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है इसकी, चकैया। चकैया से चयनित किसमें कंचन है, जिसको Na4 Na6 कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त है, और Na8, ठीक है। उसके बाद में बनारसी मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त है, अगेती किस्म है, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा और नीलम, ये बनारसी हो गई। फ्रांसिस या हाथीजूल, ठीक है, इसके अंदर उत्तक सय की सबसे ज्यादा समस्या पाई जाती है। अमृत फल जो प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है, अमृत इसकी वैरायटी है, Na7 कहा जाता है जिसको। अन्य किस्म की बात करें तो गोमा ऐश्वर्या। इसके अलावा भवानी सागर की बात करूं, बलवंत की बात करूं मैं, और इसके अलावा बात करूं किसकी, लक्ष्मी 52 की, तो जो CIESH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो काप है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां से ये डेवलप की गई वैरायटियां हैं, याद रखना। गोमा ऐश्वर्या, देखो ये तीन वैरायटी कभी कंफ्यूज करेगी, गणेश कीर्ति या गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति या गोमा कीर्ति कभी भी आपसे पूछा जाए तो याद रखना, ये तो है बेर की। किसकी है? बेर की। गोमा ऐश्वर्या पूछा जाए, गोमा ऐश्वर्या, तो गोमा ऐश्वर्या है किसकी? अपने आंवला की। किसकी है? आंवला की। आ गई बात समझ में। एंड एट लास्ट, अंतिम वैरायटी जो है गोमा यशी। कौन सी है? गोमा यसी। और गोमा यसी किसकी किस्म है, याद रखना। गोमा यसी किसकी किस्म है? गोमा यसी किस्म है बेल की या बिलपत्र की। किसकी वैरायटी है? बेल या बिलपत्र की। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में प्रवर्धन पेच बडिंग द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये बडिंग की जाती है, पेच के फॉर्म में ये पेच को ओपन किया जाता है, फिर पेच को
बर्ड से इंसर्ट किया जाता है और ये इसको बांध दिया जाता है रस्सी के द्वारा, ये बर्ड वाला हिस्सा, थोड़े दिनों बाद यहां से प्रस्फुटन होता है। तो आंवले के अंदर किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? बडिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बडिंग। और बडिंग में अभी कौन सी बडिंग की जाती है? तो पेच बडिंग की जाती है। नेक्स्ट, प्रवर्धन फरवरी मार्च में और जून से सितंबर में किया जाता है। 8x8x8 मीटर आंवले में प्रूनिंग, रूपांतरित केंद्रीय लीडर सिस्टम, रूपांतरित प्रो लीडर सिस्टम काम में लिया जाता है कटाई चटाई के लिए। ठीक है, इट्स ओके, आ गई बात समझ में। तो ये आंवले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आंवले से जो प्रश्न पूछा जाता है वेराइटी से। कंचन याद रखना है, आगे कृष्णा याद रखना है, हाथीजूल याद रखना है, चकैया याद रखना है, हाथीजूल या फ्रांसिस याद रखना है। तो ये तो इसकी वैरायटी आपको याद रखनी है। इसके अलावा भवानी सागर हो गई, लक्ष्मी बावन हो गई, ठीक है, बलवंत हो गई, ठीक है, गोमा ऐश्वर्या हो गई, तो ये आंवले की किस्म है। अंबालिका ऑफिसिनेलिस या फाइलेंथस अंबालिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है, यूफोर्बियसी फैमिली से आता है। कैप्सूल इसका फल प्रकार होता है। प्रवर्धन अपन पेच बडिंग द्वारा करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, आंवला को 21वीं सदी का फल कहा जाता है, ठीक है, मलाका ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको इंडियन गुजबेरी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे इंडियन ब्लैकबेरी पूछे तो वो जामुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जामुन को कहा जाता है। आंवले के अंदर रोग एक प्रमुख लगता है और रोग का नाम रस्ट है, ठीक है, तो वो आपको केसी सर कवर कराएंगे। इसके अंदर एक प्रमुख बीमारी रस्ट या रोली रोग की बात करूँ तो वो होता है। इंसेक्ट पेस्ट में कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक इसका सूट गाल मेकर नाम का इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये अपना आंवला आज यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर मुलाकात करेंगे अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक बात याद रखना साथ में, आप जो अपने राजस्थान में आंवले कहाँ के प्रसिद्ध है, तो चौमू के, ठीक है, चौमू जयपुर वाला स्थान याद रखना है।